फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी टू हेल्प यू। आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एक्सेल के ऊपर। आप लोग तो फिल्टर वगैरह बहुत किए हैं, मगर ऐसा फिल्टर आप कभी नहीं देखे, शायद देखे होंगे, मगर मेरा यूट्यूब चैनल में पहली बार है इस तरह से इतना एडवांस फिल्टर कैसे लगाया जाता है। कोई भी डेटा में एडवांस फिल्टर कैसे लगाया जाता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एक डेमो दिखाता हूँ, तो चलिए कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ये आपका मास्टर सीट है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे अगर किसी को अगर ढूंढना होगा तो आप कंट्रोल एफ से ढूंढ सकते हैं, मगर बार बार एक नाम पे अगर कितना बंदा होगा वो उसको कैसे ढूंढे। उसका लेट से एक नाम ले लेता हूँ, ठीक है, एक कॉमन नेम यहाँ से ले लेता है, मान लीजिए अमित, ओके। अमित जहाँ पे नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा उसको दिखाएगा, और कौन सा जोन में है वो भी दिखाएगा, ओके। मगर इस डेटा में 1-1.5 लाख डेटा है, उस डेटा में यहाँ पे बहुत सारा तो हो सकता है ना, बहुत सारा मतलब अमित हो सकता है, तो उसको कैसे आपको ढूंढे। कंट्रोल एफ अगर करेंगे तो एक अमित का सर्च निकलेगा, मगर मैं चाहता हूँ जितना सारा डेटा है उसमें जितना सारा अमित है सबको एक साथ लाके आपको प्रेजेंट कर दे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप एडवांस फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो एडवांस फिल्टर को VBA में क्रिएट किया हूँ, ओके। VBA का कोडिंग क्या है, कोडिंग मैं बाद में आपको दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा वेबसाइट में मिल जाएगा। उस कोडिंग से आपको क्या कर सकते हैं, उस कोडिंग जब भी आप VBA में डालेंगे तो वो इंटरफेस काम करेगा, ओके। तो चलिए कोडिंग पार्ट बाद में दिखाता हूँ, पहले यूज़र इंटरफेस कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, इतना हेडिंग है, ओके। इसके बाद से मेरा डेटा आएगा, तो चलिए मैं सर्च करता हूँ अमित। अमित का जितना सारा डेटा है, देखिए अमित तिवारी, यहाँ पे सरनेम अलग है मगर अमित एक यूनिक वैल्यू निकल के आ गया, उसका यूनिक आईडी भी निकल के आ गया, ओके। उसके बाद मेरा जो डेटा है, मेरा मतलब मेरा जो कंपनी है, को और भी आप कोई डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस डेटाबेस में कितना सारा डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक कस्टमर सर्विस में है, एक क्वालिटी में है, मतलब इतना सारा बहुत सारा डिपार्टमेंट से अमित जो जो नाम है वो आप सर्च कर सकते हैं, ओके। उसके बाद उसका हर अमित का एक पर्सनल पर्सनल डेटा आप देख सकते हैं, जनवरी में कितना परसेंटेज है। उसके बाद आपको सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मान लीजिए अमित से नाम का हो गया, और यहाँ पे और भी कर सकते, तो मतलब कोई भी आईडी ले लेते हैं, लगभग ए आईडी ले लेता है, E0512, ओके, E0512, देखिए सिंगल डेटा आ गया। किसी का यूनिक वैल्यू से भी आप उसको डाल सकते हैं, ओके। मैं फिर से इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में कितना सारा है वो निकाल के दे, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन है वो आपको बंदा दे दे, ठीक है। मान लीजिए आपका कंपनी ने बोला जो सेल्स डिपार्टमेंट का हर बंदा को मुझे चाहिए, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का बार बार ढूंढने जाएंगे तो फिल्टर लगाएंगे, इतना सारा डेटा में बार बार फिल्टर लगाएंगे, हर अलग अलग सीट में है। यहाँ पे मैं 4 सीट रखा हूँ, मान लीजिए 1000 सीट है, तो अब हर सीट में ढूंढने जाओगे कि कौन सा सेल है, तो फिर उसको ये सेल्स डिपार्टमेंट या सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स। देखिए सेल्स डिपार्टमेंट में जितना सारा बंदा है सब आपको यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट पे, ओके। इस हिसाब से आप इस सेल्स डिपार्टमेंट और क्वालिटी डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं फिर से एक आ गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन है वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और एक फैसिलिटी है, देखिए यहाँ पे 0 कर दिया, एंटर मारिए, तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल रिमूव हो गया, ओके। उसके बाद मार्केटिंग में डालिए, देखिए मार्केटिंग में जितना सारा है वो सब कुछ दिखा रहा है आपको, मार्केटिंग में कौन कौन सा बंदा है, ओके। उसके बाद और एक फैसिलिटी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 75 रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कौन सा कितना सारा बंदा है। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो गया अमित, अमित कितना कितना नाम है, देखिए 16 अमित है पूरा डेटाबेस में।
तुझे मैं जो बता रहा हूँ तो 16 डिपार्टमेंट मतलब अमित 16 बार है, ठीक है, मतलब पूरा डेटाबेस में अमित 16 बार आपको दिया गया है, यहाँ पे है। ओके, तो अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग सरनेम से हो सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो उसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मेरे वेबसाइट में भी डाल दूंगा। मेरा वेबसाइट है, इसमें आप फॉलो कर सकते हैं, www.happytohelpyou.unaux.com, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जैसे मान लीजिए इसको वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वो आप लिंक में जाके आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपका कोई एक्सेल का कोई नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।